हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से इस नए साल के लिए शुभकामनाएं। मैं आज बोट की तरफ से आने वाले बोट एडॉप्ट 281 की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। ये सब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखना। तो मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं SP अनबॉक्सिंग। ये रहा बोट 281 का रिटेल बॉक्स। सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बोट की ब्रांडिंग है, मूव लाइक नेवर बिफोर की टैगलाइन लिखी हुई है और एडॉप्ट 281 ट्विन वायरलेस ईयरबड्स के साथ बोट का लोगो देखने को मिल जाता है। बॉक्स की बैक साइड में इसी ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशंस में एडवांस ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंस्टेंट कनेक्टिविटी विद ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस, अप टू 3.5 ओवर्स निर्वन पर चार्ज, 420 mAh कैपेसिटी वाले चार्जिंग केस, HD6 7 डायनेमिक ड्राइवर्स एंड ये ईयरबड्स वॉइस असिस्टेंस के साथ आते हैं। लेट्स गेट ओपन द बॉक्स। इसको फिलहाल करिए रखते साइड में। बॉक्स के अंदर सबसे पहले ईयरबड्स की यूज़र मेन्यू है, जिसमें इसको कैसे यूज़ करना है ये सब लिखा हुआ है, जो मैं आपको वीडियो के आगे सब कुछ बताने वाला हूँ। और एक बोट के डिफरेंट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए हमें इसके साथ टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ ही हमें कुछ एक्स्ट्रा पैर ऑफ ईयर टिप्स देखने को मिल जाती है, जो आप अपने ईयर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट पे हमें एक साल की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिल जाती है। ये था बॉक्स का कंटेंट, इन सबको रखते हैं साइड में। आगे बढ़ते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। यह रहा हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट, कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग में देखने को मिल जाता है। चार्जिंग केस को हम प्लास्टिक रैप से निकालते हैं। वाह, यह केस काफ़ी स्मॉल फॉर्म फैक्टर में देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर बोट की ब्रांडिंग और ब्लैक मैट फिनिश में देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इस तरह हमें चार्जिंग इंडिकेटर स्लाइड्स देखने को मिल जाती है। केस के नीचे की साइड चार्जिंग इन्फो में केस को चार्ज करने के लिए 5 वॉट्स इनपुट और चार्जिंग कैपेसिटी इसकी 420 mAh लिखी हुई है। केस की बैक साइड में टाइप सी पोर्ट इस केस को चार्ज करने के लिए मिल जाता है। केस के इनसाइड हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहां पे हमें लेफ्ट और राइट मेंशन किया हुआ है और अपने ईयरबड्स रखने के लिए प्लेस दिया हुआ है। फिलहाल के लिए केस को रखते हैं साइड में। अपने ईयरबड्स को बाहर की तरफ निकालते हैं। फर्स्ट टाइम इसको होल्ड करने पर ही काफ़ी लाइट वेट देखने को मिल जाते हैं। इसके पैर ऑफ ईयरबड्स का टोटल वेट 9 ग्राम मिलता है, जो काफ़ी लाइट वेट है। ईयरबड्स पे लेफ्ट साइड मेंशन है, जिसके साथ मैग्नेटिक चार्जिंग स्पिन्स और बड्स के नीचे की साइड में एक सिंगल माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। बड्स की दूसरी तरफ हमें बोट का लोगो और जिसके साथ हमें एक LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जिसके साथ ही हमें फुल टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमें राइट ईयरबड्स पर भी राइट का मेंशन किया हुआ है और मैग्नेटिक पिंस देखने को मिल जाती है। इस पर भी हमें सिंगल माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इस ईयरबड्स पर भी हमें फुल्ली टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ईयरबड्स के देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसके ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हो, ईयरबड्स को कुछ इस प्रकार से बॉक्स में रखा जाता है। ईयरबड्स परफेक्टली फिट हो जाने के बाद इन दोनों ईयरबड्स पे हमें रेड इंडिकेटर लाइट देखना चालू हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये दोनों ईयरबड्स चार्जिंग मोड में चले गए हैं। ईयरबड्स की मैग्नेटिक फिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप देख सकते हैं ये ईयरबड्स आसानी से नीचे नहीं गिर पाएंगे। ईयरबड्स के केस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें मैग्नेटिक लॉक देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और इसकी हिंज भी काफ़ी परफेक्ट दी हुई है कंपनी ने।
अब इसको फटाफट से अपने फ़ोन के साथ पैर करने के लिए ईयरबड्स को एक साथ केस से बाहर निकालना पड़ेगा, जिससे दोनों ही ईयरबड्स पे ब्लू लाइट इंडिकेट करना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मतलब दोनों ही ईयरबड्स पैरिंग मोड में चले गए हैं। फ़ोन पे एयरड्रॉप्स 181 लिखा हुआ आ गया है और फ़ोन पे इसके परसेंटेज भी देखने को मिल जाते हैं। अभी मेरे ईयरबड्स की चार्जिंग लगभग 80% से देखने को मिल जाती है। इन दोनों ईयरबड्स पे हमें फुल्ली टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ईच ईयरबड्स को सिंगल प्रेस करने के हम सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हैं। राइट वाले ईयरबड्स को डबल टैप करने से ही हम नेक्स्ट सॉन्ग पे, और लेफ्ट वाले ईयरबड्स को डबल प्रेस करने से हम प्रीवियस सॉन्ग पे चले जाते हैं। किसी भी ईयरबड्स को 2 सेकंड तक होल्ड करने पर स्मार्टफोन का वॉइस असिस्टेंट अनेबल हो जाता है। आपको इस ईयरबड की साउंड क्वालिटी कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें हमें 6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते, तो भी हमें इसमें काफ़ी लाउडनेस देखने को मिल जाती है। इसमें हमें हाई, लो, मिडल काफ़ी क्लियर और काफ़ी पंची देखने को मिल जाते हैं। उसका बास भी काफ़ी थम भी देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली इसकी साउंड क्वालिटी में इसके प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मैंने इसमें कुछ गेमिंग्स भी खेली थी, उसमें मेरे को कोई भी मेजर लैग और लेटेंसी देखने को नहीं मिली। इसकी बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट की बात करो तो इसमें बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाती है, और ईयरबड्स के डिज़ाइन भी ऐसे की हुई है जिससे हमें ईयर में फिटिंग काफ़ी अच्छी तरह से और कम्फर्टेबल लगती है, और इसका लुक भी एयरपॉड प्रो जैसा ही देखने को मिल जाता है। अब इसकी बैटरी लाइफ में हमें ईयरबड्स में कंपनी ने 4.5 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, जिसमें पे हमें 80% या 90% वॉल्यूम पे हम इसको सुने तो करीबन 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी डिसेंट है। और इसके चार्जिंग केस में हमें 420 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे हम ईयरबड्स को 4 टाइम फुल चार्ज करने पर हमें 12 to 14 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो मैंने इसे 2000 रुपीज़ में अमेजोन से परचेस किया है, बट कभी कभी इसकी प्राइसिंग करीबन 200 से 300 रुपये ज़्यादा हो जाती है, तो मैं इसकी बेस्ट बाइंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप कोई भी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 2000 के करीबन ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी देखने को मिल जाती, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।